आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी शहर से बहुत करीब ही बहती हैं पुण्य सलिला बैनगंगा। बैनगंगा माता का लखनवाड़ा तट, लखनवाड़ा तट की सफाई यहाँ की गई। प्रकृति स्वच्छता ज्ञान योग समिति के द्वारा लखनवाड़ा घाट में स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रकृति स्वच्छता ज्ञान योग का 139वां दिन माँ बैनगंगा के लखनवाड़ा घाट को समर्पित रहा। प्रकृति स्वच्छता ज्ञान योग समिति ने के 139 दिन में 22 सितंबर 2024 को निरंतर चल रहे स्वच्छता अभियान के अंतर्गत केंद्र शासन के निर्देश पर स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा के अंतर्गत समिति के द्वारा माँ पुण्य सलिला बैनगंगा के पावन स्थल लखनवाड़ा घाट के तटों को स्वच्छ करने का प्रयास किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समिति के द्वारा प्रातः लगभग 6 बजे लखनवाड़ा घाट पहुंचकर सर्वप्रथम माँ बैनगंगा को प्रणाम किया गया और स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। नदी के दोनों ओर के घाट, गणेश विसर्जन स्थल एवं आसपास के क्षेत्रों को साफ किया गया। लखनवाड़ा घाट पहुंचते ही सभी का उत्साह देखते बन रहा था। समिति के सदस्य राजेश बंदेवार ने बताया कि समिति प्रत्येक रविवार को एक स्थान का चयन करती है, जहां पहुंचकर समिति द्वारा स्वच्छता प्रकृति योग ज्ञान से संबंधित कार्य किए जाते हैं। समिति के द्वारा महाकालेश्वर मंदिर परिसर में लगभग 100 पौधे लगाए गए हैं, उन पर सुरक्षा इंतजाम हेतु टी गार्ड भी लगाए गए हैं। समिति के द्वारा 22 सितंबर को लखनवाड़ा घाट की सफाई के लिए चयन किया गया था और समिति के 2 दर्जन से ज़्यादा 26 सदस्य इसमें शामिल हुए और छोटे छोटे बच्चों की सहभागिता यहाँ देखते ही बन रही थी। यहाँ पर सुबह तर्पण के लिए जो लोग आते हैं उनके द्वारा इस सफाई को बहुत सराहा गया और बैनगंगा तट के किनारे 2 आम के पौधे भी लगाए गए। और इस दौरान अभियान में शामिल सदस्य राजेश बंदेबार, दयाराम पंचेश्वर, राकेश बंदेबार, बलराम डहरिया, मिथुन सनोडिया, राजाराम पंचेश्वर, वीरेंद्र सनोडिया, सुमित विश्वकर्मा, राजकुमार सनोडिया, संतोष सतनामी, धर्मेंद्र सनोडिया, राहुल सनोडिया, किशोर चौरसिया और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो थे, चीनू मिष्टी, हर्ष, कुलदीप, मुकुल, अनवी, ऋषभ, जयंत, भव्यम, पुनिकेत, समीर, बिट्टू आदि इसमें शामिल हुए। ये आपको हम जो नज़ारा दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह यहाँ पर कम पानी, उथले पानी में बैंग घाट का जो एकदम किनारे का हिस्सा है वहाँ पर बच्चे यहाँ आपको नहाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। बच्चे कलरव कर रहे हैं यहाँ पर, बाल सुलभ हरकतें उनकी देखकर सभी का मन प्रफुल्लित होता है। बैनगंगा घाट का, ये बैनगंगा का लखनवाड़ा घाट और यहाँ सफाई लगातार इनके द्वारा की जा रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। माँ बैनगंगा पुण्य सलिला सिवनी का ये सौभाग्य है कि सिवनी के बहुत करीब से ये प्रवाहित होती हैं। देखिए किस तरह पानी में अटकेलियाँ कर रहे हैं छोटे बच्चे, उनके साथ उनका साथ दे रहे हैं समिति के अन्य सदस्य। वास्तव में इस तरीके की जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो बच्चों के मन में एक बाल सुलभ उत्साह भर देती हैं। और यहाँ ये देखिए, ये पॉलीथिन दिखा रही हैं 2 छोटी छोटी बच्चियाँ, नन्ही मुन्नी बच्चियाँ बता रही हैं कि यहाँ पर पॉलीथिन प्रतिबंधित पॉलीथिन को यहाँ पर फेंका गया है, यहाँ उनके द्वारा इस पॉलीथिन प्रतिबंधित पॉलीथिन को बीना जा रहा है। नगर पालिका परिषद, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो या जनपद पंचायत हो, सभी के मुँह पर ये करारा तमाचा माना जा सकता है कि प्रतिबंधित पॉलीथिन सरेआम जल स्रोतों में प्रवाहित की जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को सुरक्षा के साथ अपने साथ, ये देखिए इन लोगों के द्वारा यहाँ पर बच्चों को स्नान कराया जा रहा है। कोई किसी का भाई, छोटा भाई है, कोई किसी की छोटी बहन है। बहुत ही एक यहाँ आपको बहुत सुंदर दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा होगा। बच्चे कितने प्रफुल्लित होकर यहाँ पर स्नान करते हुए प्रतीत हो रहे हैं।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। माँ बैनगंगा उद्गमित होती हैं मुंडारा से और मुंडारा से यहाँ तक का सफ़र लगभग 18 से 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके माता बैनगंगा पुण्य सलिला बैनगंगा कितना भव्य रूप धारण कर लेती हैं और ये घाट की सफाई बैनगंगा माँ के पानी से ही इस घाट की सफाई की जा रही है। देखा जाए तो जिला पंचायत को चाहिए, जनपद पंचायत को चाहिए, इसके साथ ही जिले के सांसदों विधायकों को भी इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए प्रतिबंधित पॉलीथीन यहाँ दिख रही होगी आपको, ये प्रतिबंधित पॉलीथीन एक बार फिर हम बताएं, प्रतिबंधित पॉलीथीन अभी तक दरअसल होता ये आया है कि जिलाधिकारियों के द्वारा, जिला कलेक्टर्स के द्वारा लगातार ही दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे, पर उन दिशा निर्देशों पर अमल हो पा रहा है या नहीं ये देखने सुनने की फुर्सत किसी को भी नहीं होती है। इसके साथ ही सांसद विधायकों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे थोड़ी सख्ती बरतेंगे तो निश्चित तौर पर प्रशासन एक्शन मोड में ही नजर आएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।